कल साफ चैंपियनशिप के फाइनल में भारत का सामना नेपाल से होगा। मालदीव की राजधानी माले के नेशनल स्टेडियम में 7 बार की चैंपियन भारत अपना 10वां फाइनल खेलने उतरेगी, वहीं नेपाल के लिए ये पहला फाइनल है। साफ चैंपियनशिप में अपने रिकॉर्ड के बदौलत भारत फाइनल में फेवरेट के तौर पर शुरू करेगी, मगर इस बार के टूर्नामेंट में भारतीय टीम लगातार फॉर्म से जूझती रही है। वहीं नेपाल अपने शानदार प्रदर्शन के बूते फाइनल में क्वालिफाई किया। हालांकि अपने आखिरी मैच में मेजबान मालदीव के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज कर भारतीय टीम ने फॉर्म में वापस आने का संकेत दिया है। भारत जहां अपने पहले 2 मैच ड्रॉ करने के बाद नेपाल और मालदीव को हराकर फाइनल में आ रही है, वही टूर्नामेंट का आगाज शानदार तरीके से करने के बावजूद नेपाल का फॉर्म आखिरी 2 मैचों में खराब होता दिखा। फाइनल में नेपाल टीम के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब यह है कि रेड कार्ड के चलते स्ट्राइकर अंजन बिस्त यह मैच नहीं खेल पाएंगे, मगर इस मामले में भारत की परेशानी उनसे भी बड़ी है, क्योंकि न सिर्फ लेफ्ट बैक सुभाषीष बोस बल्कि कोच इगोर स्टीमाच भी इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं है। इस बार साफ चैंपियनशिप में भारत की सबसे बड़ी ताकत उनका डिफेंस है, मगर सुभाषीष बोस का न होना कुछ हद तक डिफेंस को कमजोर करेगा। वही कप्तान सुनील छेत्री का फॉर्म भारतीय फैंस को राहत देगी। आपुया, ब्रैंडन फर्नांडिस आदि भी अपना योगदान देते दिखे। सुभाषीष बोस के स्थान पर मंदार राव देसाई कल टीम में आ सकते हैं। दूसरी तरफ नेपाल टीम का सबसे मजबूत पक्ष उनका आक्रमण भाग है, मगर अंजन बिस्त के बिना वो भारत के मजबूत डिफेंस के खिलाफ कैसे खेलते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। नेपाल के कोच अब्दुल्ला अल मुतायरी फाइनल मैच में टीम के गोलकीपर और कप्तान किरण लिंबू से एक मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे। यह मैच कल भारतीय समय रात 8:30 बजे खेला जाएगा और इसका सीधा प्रसारण यूरोस्पोर्ट पर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।